हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है और कौन कौन से कोर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्द रिलीज़ होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हैज इस क्वालिफिकेशन, गेटवे कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज ए स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज आल्सो नोन एज PAU। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हम PAU के नाम से जानते हैं, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। द एप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन लुधियाना इन पंजाब स्टेट। तो ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये आपका लुधियाना पंजाब स्टेट में है। तो यहाँ पे ऑफिशियली अथॉरिटीज़ द्वारा आपका एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आपका कंडक्ट कराया जाता है, एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस आर्टिकल के थ्रू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में सब कुछ डिटेल से पता चलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेरिट लिस्ट और रिजर्वेशन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, रिजल्ट, इन सब के बारे में डिटेल से पता चलेगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया गेट ऑफ वन यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एडमिशन ले लेना है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, MBA कोर्स है और BSc है एग्रीकल्चर से, BTech है, BE है, अंडर ग्रेजुएट, अंडर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है और MSc है, MTech है, MBA है और BEd है आपका। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स भी दिया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जून में स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका जून में ही है और आपको एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट डेट जुलाई में होगा। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी कोर्सेज के लिए है और जो विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसको भी जून में ही आपको फिल करना है। यहाँ पे PhD कोर्स के लिए है तो PhD कोर्स के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जून में रिलीज़ होगा, लास्ट डेट आपका अक्टूबर में है और लास्ट फी का डेट आपका अक्टूबर में ही है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिलीज़ होने वाला है जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही फिल कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन, अगर आप ऑफलाइन फिल करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इस एड्रेस पे सेंड करना है। आपको उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसका डॉक्यूमेंट्स और अपना फ़ोटो सिग्नेचर कर लेना है और इस एड्रेस पे अपना भेजना है और सारे इंफॉर्मेशन फिल करके सब कुछ करेक्टली फिल कीजिएगा। अगर आप करेक्टली नहीं फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है, एप्लीकेशन फ़ी आप कैश देंगे तो 2120 रुपीज़, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देंगे तो आपको 3820 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी पे करके वो डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश किसी के भी थ्रू दे सकते हैं।
तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग है और आप देख पाएंगे ऑफिशियली और वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। रिजर्वेशन आपको 5% 10% का रिलैक्सेशन भी मिला है क्वालिफिकेशन मार्क्स पे। अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, उसमें 75% मार्क्स होने चाहिए। स्कोर कार्ड यहाँ पे बीएससी या फिर बीटेक का होना चाहिए और सीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपका बीएससी आर्किटेक्चर से हो तो आपको एएटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और यहाँ पे बीएससी आर्किटेक्चर से एडमिशन करवाना है आपको तो 88 एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग से करवाना है तो आपको DAT एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और अगर आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अपना एडमिशन करवाना है तो आपको JEE मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे पीजी कोर्स के लिए दिया गया है तो पीजी कोर्स के लिए आपका 10+2+3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका MET क्वालिफाइंग होना चाहिए, प्लस आपका इंटरव्यू भी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे PhD कोर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे इंटरव्यू राउंड होगा और आपका PAU द्वारा आपको यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। और ICAR का स्कोर कार्ड से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है तो यहाँ पे बीटेक के लिए या फिर बीएससी के लिए आपका CET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और बीएससी आर्किटेक्चर के लिए EET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आपका DAT एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए JEE मेन का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। MTech और MSc के लिए MET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। PhD के लिए आपको ICAR या फिर रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के बेस पे यहाँ पे आपको आपका एडमिशन होगा यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में दिया गया है तो मेरिट लिस्ट आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आ जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा ऑफिशियल अथॉरिटीज़ द्वारा। तो रिजल्ट के बाद आपका मेरिट रिलीज़ कर दिया जाएगा तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, एग्रीकल्चर वालों के लिए 4 सीट है रिज़र्व, और यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 3 है, और यहाँ पे कम्युनिटी साइंस के लिए आपका 2 है, MBA के लिए 1 है और एग्रीकल्चर के लिए 2 है। और यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में दिया गया है तो काउंसलिंग आपको कैसे करवाना है, काउंसलिंग आपका मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पे काउंसलिंग होगा तो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ द्वारा यहाँ पे आपका काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको काउंसलिंग सेशन रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल अथॉरिटीज़ द्वारा मेरिट बेस पे। तो मेरिट बेस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस आपका पास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, इंटरव्यू राउंड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी के बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो काउंसलिंग हमें आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही रहे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लाना है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और अदर क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी मार्क्स सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और आपको एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट जो आपने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म, वही का प्रिंटआउट चाहिए रहेगा। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।